उस समय अवैध हथियारों के बनने के समाचार आते थे और अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही है। इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरें ही ना हो उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है, ये समझा जा सकता है। आपने आदेश दिया कि सब लोग बैठे, हम बैठ गए, फिर इंस्पाइट ऑफ दैट इफ दे आर नॉट ऑनरिंग, सब बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाषण चलाते ही रहे, कौन सुनने वाला है आपका भाषण, हम तो नहीं सुन रहे। मैं बिल्कुल आपको नियम भी बताऊंगी सर, एंड आई एम आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव बीन गिवन दिस राइट सर, टुडे इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का कोई पार्ट बने, कोई कंपोनेंट बने, ये अपने आप में कितने बड़े गर्व का विषय है। मुझे याद है कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या बना के रखी गई, सिनेमा क्या बनता था उत्तर प्रदेश पे, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, तो सीरीज बनती थी मिर्जापुर, तो ओंकारा में मेरठ की गैंगवार, तो बाबर फिल्म में कानपुर की गैंगवार, तो कंपनी फिल्म में दिखाया जाता था कि जैसे कि मुंबई का सारा जो माफिया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आप सोचिए उस समय अवैध हथियारों के बनने के समाचार आते थे और अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही है। इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरें ही ना हो उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है, यह समझा जा सकता है। अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 17 में राष्ट्रपति महोदया ने भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है, जिसमें विशेषकर मैं सिर्फ तीन का उल्लेख करना चाहूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीनों इसलिए कि इनके बारे में केवल एक डेढ़ साल पहले बहुत बितंडावाद मचाया गया। अपनी सीट पर जाए, अपनी अपनी सीट पर जाए। मात्र एक डेढ़ साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया कि SBI डूब रहा है, LIC डूब रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा केवल एक तिमाही का 21,000 करोड़ रुपए है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सारी कंपनियों में मिला के सबसे ज्यादा है। पहली बार SBI ने रिलायंस से भी ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाया है। LIC का पिछले क्वार्टर का मुनाफा 19,000 करोड़ रुपए है, जो LIC का ऑल टाइम हाई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, माननीय LOP कुछ बोलना चाहते, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के लिए भी हम सरकार से इतना पूछना पड़ता है तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। मैं आपसे विनंती करता हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज की, अब आपने आदेश दिया कि सब लोग बैठे, हम बैठ गए, फिर इंस्पाइट ऑफ दैट इफ दे आर नॉट ऑनरिंग, सब बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाषण चलाते ही रहे, कौन सुनने वाला है आपका भाषण, हम तो नहीं सुन रहे। माने प्लीज 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 आप प्लीज प्लीज माने मान प्लीज प्लीज सर देखिए सर आप मैंने आग्रह किया सभी लोग अपनी सीट पर जाएं, जब तक नहीं गए थे आपने कहा मैं मौका दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज माने लोगों को बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ रेजर करे किए हैं आप बैठे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो भी है, जब बाहर लोग थे यू अलाउ देम, मैंने कहा अलाउ, ही हैज टू विल, ही हैज टू विल, नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है प्रियंका जी, आप सहमत हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रियंका जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप तय करिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाँ प्रियंका जी चेयरमैन सर राइट नाउ प्लीज सर, व्हाई शुड ही, किस नियम के तहत, कौन सा सर, मैं बिल्कुल आपको नियम भी बताऊंगी सर, एंड आई एम आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव बीन गिवन दिस राइट सर, टुडे इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इट इज अनफेयर दैट आई हैव बीन स्क्रीमिंग नॉनस्टॉप एंड द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन हैव बीन आस्किंग यू टू लीव, सर पॉइंट नंबर 259, सर पॉइंट नंबर 259, चेयरमैन टू प्रिजर्व ऑर्डर एंड एनफोर्स डिसीजंस, द चेयरमैन शैल प्रिजर्व ऑर्डर एंड शैल हैव ऑल पावर्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग हिज डिसीजंस, सर वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग नॉनस्टॉप, वी कैन नॉट हियर व्हाट ही इज स्पीकिंग।
He is being allowed to speak while we are not being allowed to even raise a point of order. Isn't it your responsibility, sir, with all due respect, to ensure that even the opposition voices can be heard? This is not point of order. This is not point of order. Please. आप बोले, आप बोले। सभापति महोदय, मेरा विचार ये था, हमारे विपक्षी